सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। होली फैमिली अस्पताल के सर्जिकल यूनिट 1 में तैनात फीमेल डॉक्टर हाउस ऑफिसर को मरीज़ का खून पीने के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया, क्योंकि वो इस फेल में मुलविस ना थी। चंद दिन कबल ट्वीट नज़र से गुजरा कि लेडी डॉक्टर मरीज़ के कैनोला से खून पीते पकड़ी गई, जबकि इस पर सीपी वाइल से भी खून पीने का इल्ज़ाम भी है। तमाम एचएफएच इंतज़ामिया ने वाकया की हाई लेवल इंक्वायरी करवाई, जिसमें लेडी डॉक्टर को बेगुनाह करार दिया गया। इस ज़िमन में जब बात एमएसएचएफएच डॉक्टर शाहजेब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि एचओ पर मैज इल्ज़ाम था जिसका कोई सबूत ना मिला। मज़ीद बरां जब एचएफएच के तर्जमान डॉक्टर तनवीर से इस्तफसार किया गया, तो उन्होंने कहा कि एक मरीज़ा की अटेंडेंट ने ज़बानी कलामी एचओ के ख़िलाफ़ उनकी मरीज़ा के कैनोला से खून पीने की शिकायत की, जिस पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई, लेकिन शिकायत कुनंदा ना तो कमेटी के सामने पेश हुए, ना ही उसने अस्पताल इंतज़ामिया को कोई तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। डॉक्टर तनवीर का कहना था कि SU1 के इंचार्ज डॉक्टर जंगीज सरवर खान ने अलग से भी इंक्वायरी की, मगर उन्हें लेडी डॉक्टर के ख़िलाफ़ आयद किए गए इल्ज़ाम का कोई सबूत ना मिला, जिस पर लेडी डॉक्टर को बेगुनाह करार दिया गया। एक सोर्स के ज़रिए HFH की गायनी वार्ड में इसी लेडी डॉक्टर की दौरान ड्यूटी यही फेल दौरान की इतला मिली। बाद अज़ा लेडी डॉक्टर के वालिद मोहतरम साकिब हफीज़, जो कि इंतहाई शरीफुल नस व एजुकेटेड शख्स हैं और एचओ की वालदा भी सरकारी कॉलेज में लेक्चरर हैं, जब लेडी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम की तरदीद की और कहा कि इस फेल में मुलविस नहीं हैं, जबकि अस्पताल इंक्वायरी कमेटी ने भी उनको बेगुनाह करार दिया है।